Your engineers to upgrade all your system by 10 pm tonight. भाई ये बॉस है हैवानी है क्या मतलब 10 pm tonight? साला खुद भी घर जाता है, खुद भी लैपटॉप खोल के काम करता है और हमसे भी काम की एक्सपेक्टेशन रखता है और ऑर्डर छोड़ता है सिस्टम अपग्रेड करो. यार दिन रात काम करके हम लोग डिग्रेड होते जा रहे हैं और उसको सिस्टम की पड़ी है. बेचारा कभी हमारे बारे सोचेगा नहीं. हट, मेरे को नहीं करना है. हट, बाहर भी रह. कुछ खा पी के सो जाती है आराम से. आज सोती हो? इसके गाल से नहीं. क्यों जी, बुलाया आपने? अरे मैं चिल्ला के तुम्हें बोला था, इसका ये मतलब नहीं मुझसे हर बार तुम्हें लड़ाई झगड़ा करना है तुमसे. नीचे रखो, चुपचाप बैठो यहाँ पे. ये बात प्यार से बोलो. देखो मेरा दिमाग बहुत खराब हुआ है, मुझे बहुत जोर की भूख लगी है. कुछ बढ़िया सा स्पेशल वाला खाना बनाओ, मैं खा पी के सो जाऊंगा. बताओ क्या बनाओगे तुम आज? आप बताओ ना आपको क्या खाना है. आप जो बताएंगे मैं वो बनाऊंगी. गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है. गोलमाल गोलमाल है. सुनो, दाल चावल बनाओ बढ़िया सा. दाल चावल तो हमने कल ही खाया था. कल शाम को ही खाया था जी. अरे वो तो परसों खाया था हमने. पापा कल शाम को खाया था, भूल गए क्या? अरे यार, यार मेरी उम्र बढ़ रही है ऐसा लग रहा है. चीजें ध्यान में नहीं रहती. गलती तो नहीं बन रहा हूँ ना मैं? ठीक है ठीक है, छोड़ो दाल चावल. छोड़ो. सुनो, गर्मा गर्म रोटी खाते अभी फिलहाल इतना बना दो, बाद का बाद में देख लेंगे. बताओ आपके बच्चे नहीं खाते हैं जी, नखरे करते हैं, आपको मालूम नहीं क्या? ये बच्चे शैतान के औलाद है, नहीं खाते. माँ तो नखरे वाली थी पहले, ये बच्चे भी हो गए जी. बड़ा असर होते जा रहे उनपे. दाल चावल नहीं, रोटी भी नहीं. हाँ सुनो, एक काम करो, मेरी सबसे फेवरेट बढ़िया सी डिश अंडे की भुर्जी बनाओ. तो क्या हुआ? आज कौन सा वार है जी? आज हाफ डे था. शनिवार है. तो फिर शनिवार को कोई अंडा खाता है क्या? क्यों, क्या होता है शनिवार का अंडा खाने से? पाप लगता है. हे भगवान, इनको माफ कर लो. शिप, 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 शिप. अरे वो मुर्गी ने अंडे थे, कभी सभी कभी सोचा नहीं था कि आज शनिवार है या सोमवार या मंगलवार है. अलग से नखरी यार, वो शनि के काम के चक्कर में था, बॉस भी आ गए बीच में, अभी खाने भी आ गए यार. मतलब आज ही यार बाबा शनि के चक्कर. ठीक है सुनो सुनो, ये ना गर्मा गर्म पराठे बनाओ, देसी घी के साथ खाएंगे, बहुत लजीज टेस्ट लगती है उसकी, वो बना दो. रात के समय कोई पराठे खाता है क्या जी? क्या मतलब रात के समय? हाँ देखो. वी पूरा सुनसान हो गया. ये क्या टाइम हो गया? अरे यार 9:30 बज गए. तभी बोल रहा था मैनेजर कि 10 बजे तक सिस्टम अपग्रेड करो यार, मेरे मुझे लगा 7 बज गए. यार कैसा होगा, तुम अब कुछ बनाओगी या खिलाओगे पता नहीं, लेकिन मैनेजर मुझे सोमवार को याद से गाली फिर पेट के खिलाएगा. सोमवार याद रहता है.
ये क्या ड्रामा है? मैं देख रही हूँ पर क्या सुन रही। ओ हेलो मैडम, कौन से भी एंगल से देखोगे ना शक्ल सूरत चेंज होने वाली नहीं है। देखो नीचे छोले भटूरे बना दो, वो तुमने लास्ट टाइम बनाया था बहुत बढ़िया सा बना था, मतलब वो बना दो प्लीज। उसका नाम बोलो। क्या मतलब ये भी लगता है ये कुछ इसे करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं या कुछ रखा है यहाँ पे ये भी लगता है? अरे मैं डाइट पे हूँ ना, मैं डाइट कर रही हूँ ना। अरे कहाँ का डाइट, पेट तो तुम्हारा भार आ गए। डाइट कर रही है मेरे पेट को बोल रहा। आपका पेट तो कितना गोल मटोगे इसे बाहर आ गए कुछ बोल। हाँ सुनो, आपके बाल खराब हो गए थे यार। मेरा यहाँ पे दिमाग खराब हो रहा है क्या तुम्हें? मतलब मेरे बालों की पड़ी है, भेजा फ्राई मत करो मेरा। हाँ ये सुनो, हमने सुबह क्या खाया नाश्ते में? नाश्ते में क्या खाया हमने सुबह? कढ़ाई बनाओ बढ़िया सा, वो मैंने भर भर के लाया सुबह, मतलब वो बना के खाए नहीं हम लोग। और सुनो अब ये मत बोलना कि खत्म हो गया करके। अरे चेक तो करने दो, हर बार चाव चाव करते रहते हो। यार इनके चक्कर में रह गया ना, मैं तो पागल हो जाऊंगा वैसे तो मेरे को लग रहा है। ओह नो, इतना कैसे कौन खा सकता है? नाश्ते में तो मैंने इतना खाया था, कैसे खत्म हो गया? आपके बच्चे ने खाया और खत्म कर दिया, इसमें मैं क्या करूं? ये बच्चे भुक्कड़ की औलत है, इतना कौन खाते है कभी दही? भुक्कड़ मत बोला। क्या करूंगा अभी, क्या ये कटोरा लेके भीख मांगूंगा सबके दर पे आके दही दे दो करके? जाओ ना अपनी प्यारी पड़ोसन के पास जाके बोलो दही दे दो, दही दे दो, दही दे दो। इतना ओवर एक्टिंग करने की जरूरत नहीं। सुनो वो तुम्हारा डायट का चक्कर है ना, वो हम लोग थोड़ा लाइट वेटेड, वो सबसे आसान वाला है ना, इडली सांभर खाते हैं। क्या खाया? अरे उसको पहले बोल देना चाहिए था ना, और टाइम लगता है जी। क्या मतलब पहले बोल देना चाहिए टाइम लगता है? मेकअप का, तुम्हारे मेकअप का भी टाइम नहीं लगता, 10-15 मिनट से तुम्हारा तो वही चल रहा है। हर बार मेरे मेकअप पे मत जाओ। यार मतलब अलग सा ड्रामा यार तुम्हारा तो। यार अभी ये भी नहीं छोड़ो, आज शनिवार है ना तो स्पेशल वाला कुछ बोल रहा था ना। हाँ चाइनीज खाते, वो हक्का नूडल्स, ट्रिपल फ्राइड राइस, गोभी मंचूरियन ऐसा रहता है ना, हाँ वो बना खाते हम लोग, वो बढ़िया सा खाते हैं, वो चिंग से गोयंस के साथ। क्या हुआ अब ये काम के चक्कर में तुमने न्यूज देखना भी बंद कर दिया क्या? क्यों, क्या है न्यूज में? अरे वो चाइना के लोगों ने कोरोना वायरस लाया है और वो खाने के थ्रू फैला रहे हैं। तो इसका क्या लेना देना? तो
तभी मुझे अब सारा षड्यंत्र तुम्हें धीरे धीरे समझ में आ रहा है। तुम ये सब लड़ाई झगड़े में जीत नहीं पाते हो, इसलिए ये सब खिलवा के मुझे और मेरे बच्चों को मार देना चाहते हो। Shut up! अरे मेरी माँ, बस लाइफ में इतना सुनना रह गया था, मैं क्यों मारू अपने बच्चों को? चेंज का कोई मरता है क्या? ठीक है छोड़, कुछ होगा भी नहीं, कुछ बना नहीं पाओगे। एक काम करते, होटल से बढ़िया सा कुछ मंगवाते, लाइक दाल चावल, दाल खिचड़ी, दाल कढ़ाई, वो ऑर्डर कर दो, खाएंगे सो जाएंगे आराम से। आपको दाल के सिवाय कोई सूचना है क्या? हर बार दाल 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 और होटल। मैं कल परसों से शॉपिंग के लिए पैसे मांग रही थी, तब मुझे बोल रहे थे अब किधर गई सेविंग? मैं दिन भर काम करती रहती हूँ आपके लिए और आपके बनाती रहती हूँ, आपको मेरे हाथ का खाना पसंद नहीं, वैसे बोलो ना। अरे ये ड्रामे की दुकान, मेरे बाहर से मंगवाना चाहता हो ना, वो 100-200 की चीजें, तुम्हारा मेकअप और मेरा शॉपिंग है ना लाखों में होता है। ये क्या लाखों का है क्या? 2000 में लिया था वो। कुछ भी छोड़ फिर, छोड़ यार, वो होटल से मंगवाओ, तुमको जमेगा नहीं, वो तुम्हारा सबसे फेवरेट डिश है ना, वो मैगी 2 मिनट नूडल्स तैयार, वो ऐसे बनते 2 मिनट में, मुझे देखना कैसे बनते, बनाएंगे वो खाएंगे सो जाएगा आराम से। लो जिंदगी में देख रहा मन की ऐसे आपके पैर दे दो इधर। रात को कोई मैगी खा के सोएगा क्या? मैगी खा के हमारे बच्चों का और हमारा पेट भरवाएंगे क्या? वो तो कुछ समझते ही नहीं यार, मेरे संसार के साथ शादी मेरी जिंदगी। तुम बताओ मुझे, तुम्हें क्या जमेगा, तुम क्या बना के खाओगे, वो बना के खाएंगे सो जाएगा आराम से। तो मैं आपको कब से पूछ रही हूँ, बताओ ना क्या करने। अरे तो अब तक क्या मैं रामायण महाभारत पढ़ रहा था क्या आपसे? यार दाल चावल बना दो तो कल खाए परसों खाए पता नहीं है, रोटी बना दो बच्चों के अलग से रख रहे हैं, अंडे की बुर्जी बना दो पता नहीं चिली कहाँ का भारी पड़ रहा है, तुम्हारा डायट भी बी वजह का डायट भी घुस गया है, मतलब कुछ भी बोलो तो मतलब तुम्हें मतलब तुम्हारा ये नहीं बोलने मतलब खाने को लगे इसको मर जाओ मर जाओ। He tried it.